गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वक्त मैं हूँ शेफील्ड में, और इस वीडियो में मैं कवर करूँगा शेफील्ड एंड पिक डिस्ट्रिक्ट। और अभी इस वक्त मैं जा रहा हूँ स्टील स्टेप्स पे, जो कि एक एक व्यू पॉइंट है जिसमें आप पैनोरामिक व्यू मिलता है आपको सिटी का। तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो गाइस, बस अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ। एंड जो सामने जो सिटी का व्यू आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि क्या है कि अभी सनराइज़ हुआ है, तो उसके ऊपर जो जो सन रेज़ पड़ रही हैं सिटी के ऊपर, वो अच्छा एक अलग सा ही उसको ब्यूटी दे रही हैं। बट वो आई डोंट थिंक वो कैमरा में अच्छे तरीके से कैप्चर हो पाएगा, बट स्टिल आप देखिए। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, एंड सिटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर जैसे आप आ सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट लेके आ सकते हैं साथ में। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये। थोड़ा आगे से व्यू देख लेते कैसा आ रहा है। तो वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं पीक डिस्ट्रिक्ट में हूँ इस वक्त, एंड ये मेरी जो शेफील्ड टूर है इसका हाईलाइट है, मेन हाईलाइट है ये जगह। एंड आगे इसमें हाइकिंग भी है, एंड देन थोड़ा सा हम विज़िट करेंगे रिजर्वोयर को भी आई गेस, क्योंकि रास्ते में तो आया था। अब यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि वहाँ पे रास्ता कैसे जाता है। तो सबसे पहले लेकिन मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले सॉक्स खरीदे, क्योंकि मैंने सॉक्स पहनी थी एंकल सॉक्स, तो उसमें मेरे को काफ़ी दर्द हो रहा था जूतों में। तो मैंने अभी बस सॉक्स परचेज करके चेंज करी हैं, एंड देन अब अभी मैं जाऊंगा कैफ़े में, थोड़ी कॉफ़ी वगैरह पीऊंगा, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे हाइकिंग। तो अभी तक जितना समझ आया, यहाँ पे है स्पीडवेल केबिन, केवन में केव होती हैं, एंड उसके बाद पीक केवन, एंड देन ट्री क्लिफ केवन। बट सबसे पहले मैं जाऊंगा पेवरिल कैसल में, तो वहां चलते हैं पहले। मौसम काफ़ी अच्छा है, एंड काफ़ी सनी सा मौसम है, तो अच्छा लगेगा आज हाइक करके। तो मैं जा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया आपको, पेवरिल कैसल, नाम भूल गया हूँ मैं, तो आगे चेक करते हैं। या पेवरिल कैसल। तो ये तो सीन हो गया, ये बंद है आज, तो हम चलते कहीं और। तो अब चलेंगे केवन की तरफ चलते किसी। छोटी
छोटी शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पे। आई गेस आज संडे है इसलिए बंद है, या मुझे नहीं पता मॉर्निंग अभी खुलेगी। Chris, the cave's got two names. It's all the way past the stage. So they would have to walk up and down 300 feet to run out the lines of twine. Not only that. That way? No. Fly on your back in your own coffin to be transported through a small hole across the water into the desert. तो गाइस केव का टूर तो काफ़ी बढ़िया रहा एंड मैं अब आगे जा रहा हूँ हाइक पे, तो चलिए चलते हैं। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है एंड मुझे जाना है उस टॉप पे, वो ऊपर। स्टीप चढ़ाई है एकदम से, काफ़ी बस अभी थोड़ा सा ही चढ़ाऊँ और काफ़ी स्टीप चढ़ाई है एंड तो टाइम लगेगा ऊपर तक जाने में। दोस्तों भी बस 75% हाइक करी है एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट चढ़ाई है ये एंड मेरा ही नहीं है, बाकी सब कुछ भी देख रहा हूँ मैं, सब 5-5 मिनट की ब्रेक लेके कर रहे हैं। डेस्टिनेशन तो अपनी जगह है, बाकी जर्नी मेन होती है जिसको एंजॉय करना होता है, तो बस चलते रहते हैं। अगर मैंने किसी
समिट ही है वो सामने, तो वो मैम टोर है, लेकिन मैं अब जाऊंगा लेडी गोवर रिजॉर्ट में जो कि यहाँ से दो घंटे की दूरी पे है। बट मैं चेक करूंगा अगर कोई कोच कोच वगैरह वहाँ जाता है तो, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसी ट्रैक को फॉलो करूंगा। मिलते हैं सीधा रिजॉर्ट। तो गाइस फाइनली मैं रिजॉर्ट पर पहुँच चुका हूँ एंड काफ़ी ब्यूटीफुल है ये, बड़ा नहीं है लेकिन मजाक कर रहा हूँ, वो आगे आगे दूसरी बार है, दूसरी जगह पे है, भी अलग अलग चार्म दे देती है इस प्लेस को। खाना खा के एंड बस पे सवार हो गया, मैं फाइनली पहुंच गया हूँ लेडी गोवर रिजर्वोयर में। आगे देख रहे हैं वहाँ पे ट्रेल जाती है पूरी, तो वहीं चलते हैं। काफ़ी शांत एंड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल ट्रेल बना हुआ है। आगे मैं देखता हूँ अगर हम रिजर्वोयर के पास जा सकें उसके एजिस पे। तो यहाँ पे बर्ड्स जो होती हैं वो ज़मीन में घोंसला बनाते हैं, कुछ तरीके की बर्ड्स हैं तो इसलिए उसके लिए नोटिफिकेशन लिखी हुई है। तो नीचे आने का रास्ता मिल गया था मुझे, तो आपको पानी के साउंड सुनाने के लिए मैंने नीचे से कैमरा शॉट लिया है। ऑब्वियसली काफ़ी ठंडा पानी है क्योंकि मौसम भी ठंडा हो रहा है। तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर यहाँ रुकूंगा, थोड़ा सा नेचर को एंजॉय करूँगा, थोड़ा सा इधर उधर ट्रेल पे जाऊँगा एंड आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट डे शेफील्ड में वापस, एंड वहाँ पे कोई नई अट्रैक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए टाटा। फिर से बारिश हो गई है स्टार्ट एंड वो देखिए सामने लोग फिशिंग भी कर रहे हैं। वेलकम जी, इस वक्त मैं हूँ बेकवेल में जो कि पीक डिस्ट्रिक्ट में ही है। अभी आपको जो दिखाया मैंने मार्केट एरिया था पूरा, एंड अभी इस वक्त मैं चर्च में आया हूँ और ये सेमेट्री भी है साथ में।
तो ये रास्ता जाता है ओल्ड म्यूज़ियम की तरफ, लेकिन मैं देखूंगा अगर उसमें टिकट होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, अदरवाइज़ मैं घूम के आऊँगा। तो जिसका मुझे डर था वही है, 6.5 pounds की टिकट है, बट मेरा भी मन है नहीं किसी यू नो पैसे दे के किसी म्यूज़ियम में जाने का, तो बार बार से चेक कर लेते हैं इसको। हम बोले बहुत फैट गर्फैट मैंने बाहर से वीडियो बना लिया, और छोटा सा ही था ये, कुछ ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, तो फ़ायदा नहीं था मैं उसको टिकट लेके वहाँ पे 5 minutes भी नहीं घूम पाता, तो इससे बेटर है कि कहीं और चलते हैं। ये एक्चुअली विलेज है, तो काफ़ी ओल्ड स्टाइल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, एंड जो कि बड़ी ब्यूटीफुल है। ये एक ट्रैक है जो कि रिवर के साथ साथ चलेगा, तो इसी को फॉलो करते करते हम चलेंगे रिवर के साथ साथ। मैं बिल्कुल सही वक्त पे आया हूँ, उनकी रिहर्सल चल रही है म्यूज़िक की, और काफ़ी अच्छा म्यूज़िक बजा रहे हैं।